घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसइन्फेक्ट। उसको समझता क्या? घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसइन्फेक्ट। उसको समझता क्या? रिलीज होने जा रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा। आखिर रिलीज से पहले किसने इसे देख लिया है? क्या वाकई ये केजीएफ को टक्कर देने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, पुष्पा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजीएफ को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें, ये एक्टर है मुच्ची बाबू। इन्होंने सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 केजीएफ के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। मुची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात केजीएफ की करें तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि केजीएफ के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना केजीएफ से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि
केजीएफ का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो केजीएफ है, तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये केजीएफ को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे। और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है केजीएफ का, जो कि धासु है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और के रश्मिका मंदाना से क्यों हुई ऑडियंस खफा? क्यों रश्मिका मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजंस का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। पुष्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके लिए ऑडियंस बेहद ही एक्साइटेड है। एक तो बाहुबली और केजीएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ऑन एंटरटेनमेंट की सौगात मिलने वाली है। ऊपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बल्कि साथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश द क्यूटी रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल सातवें आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में, जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खतरा बन सकती है, तो क्या है वो? दरअसल कुछ साल पहले जब रश्मिका के करियर उड़ान के लिए पंख फैला ही रहा था, तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ऑफ का नाम पूछा गया। काफी झिझकते हुए उन्होंने नाम लिया केजीएफ एक्टर रॉकिंग स्टार यश का। फिर क्या था, यश की फैंडम ने भारी मात्रा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर में हार कर खुद रश्मिका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो रश्मिका एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियंस रखने की पूरी आज़ादी है। इसके उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करे। ये सब कहा केजीएफ स्टारर यश ने। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जब रश्मिका और यश दोनों ही स्टारडम की ऊंचाइयों पर है तो अक्सर उनसे जुड़ी खबरें यूं ही सरफेस पर आती रहती है। ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मुंह से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पड़ने का ट्रेंड चल रहा है। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर डाल सकता है ये फिर फिल्म बिना कर चुका है। और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजीएफ को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है बुच्ची बाबू, इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी किया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 केजीएफ के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुच्ची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात केजीएफ की करें तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि केजीएफ के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना केजीएफ से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि केजीएफ का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो केजीएफ है, तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये केजीएफ को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे। और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है केजीएफ का, जो कि धासु है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और केजीएफ की भिड़ंत होगी तो कौन आगे निकलेगा? क्या एक झूठ पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही
लाख मेहनत पर भारी। तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीक्रैट स्टूडियोज में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पॉपुलैरिटी को केवल उनकी इंडस्ट्रीज में नापा जाता था। अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटेड का टाइटल मिलता है, जिनका इंतजार कोई तेलुगु, कन्नड़ा या बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं। और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडस्ट्री ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर रखी है। इन्हीं मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को चार गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहीं अल्लू अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए, तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट और एक अनाउंसमेंट से। वैसे तो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बेहद सुखद घोषणा थी, लेकिन शायद खुद अल्लू के लिए ये इतनी लकी नहीं रही। दरअसल साउथ के फेमस प्रोड्यूसर बनीवास और अल्लू अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में बनीवास का बर्थडे मनाने अल्लू मुंबई गए थे, जहां वास किसी काम में बिजी थे। ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सरप्राइज था, जो कि कुछ ही समय में अल्लू के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया। एक्चुअली वास ने अल्लू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें पुष्पा, वेणु श्रीराम की आइकन पुष्पा 2, बोयापति श्रीनू डायरेक्टेड फिल्म कोराटाला सिवा की फिल्म और एआर मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक्टर को मुसीबत में डाल दिया। पहला कारण तो ये कि एक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट यूं नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो। प्लस इस लिस्ट में एआर मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अल्लू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम कोथिनेनी को अप्रोच किया गया था। अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंसमेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को एक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था, या फिर बाकी एक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए, जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है। अब डर तो यही है कि कहीं इस स्टंट का अल्लू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइमलाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे। तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक एक्साइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज्ड एजेंडा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाहुबली के ग्रैंडर और उसके बाद KGF की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने। पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित मूवी है, जिसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाली है। और खास बात ये है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाइएस्ट प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है। और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लू अर्जुन अपनी पैन रिलीज लेकर तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ के एक्टर प्रभास को क्या अल्लू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे? बात दरअसल ये है कि अल्लू अर्जुन को प्रभास के बराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ आप काफ़ी कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेड सैंडलवुड की स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अल्लू अर्जुन काफी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। जहाँ एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाय प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाय क्राइम होंगे।
और इसीलिए मूवी का ज्यादातर पार्ट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा। अब खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी कंपटीशन और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा का सबसे बड़ा कंपटीशन क्रिटिसिज्म या बॉक्स ऑफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बल्कि प्रभास की सलार से होने वाला है। इन दोनों फिल्मों के बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस एक्टर्स हैं और बॉलीवुड में अपना नाम जमाने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन सिमिलैरिटीज की लंबी लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। दरअसल दोनों मूवीज की शूटिंग तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के एक ऐसे जगह पर जहाँ पर उसको कोल माइन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्मगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सिटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग ये गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड ज़रूर मिल जाए। अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में, तो अभी KGF भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नज़र आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थ्योरी और वाले ओपिनियन से निकलकर रियलिटी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनमें एक्चुअली मरना मारना जायज लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी टक्कर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को। और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़्यादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को, ताकि वो प्रभास वाले स्टैंडर्ड पे करंटली आ सकें। अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ऑडियंस अब हीरोज़ को सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। उन लोगों को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवीज में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज और आसपास की रिलीज डेट, तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर का ताज। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कैसे एक बार फिर पुष्पा ने ली KGF से इंस्पिरेशन? क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैंस का रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की तस्करी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुकुमार डायरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा। अल्लू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग, जहां उनके डैशिंग हैंडसम अवतार में पेश होने की वजह से और उनके लुक्स की वजह से थिएटर्स में टिकट बिकती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट्स बिकने का। इस बार उन्हें रगेड अवतार में दिखाया जाएगा, जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है। क्या और कौन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े एक्टर फहाद फाजिल की। अगर आप अल्लू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाई हार्ड फैन हैं, तो आप उनकी पुष्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसका जवाब तो फिल्म के ऑफिशियल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है, जिसमें फहाद को नेशनल अवार्ड विनर और पावर हाउस ऑफ मॉलीवुड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक फेस ऑफ के लिए लाया गया है, लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत नील वाली गलती नहीं करना चाहते, जिनकी ब्लॉकबस्टर KGF में गरुड़ा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपीयरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक बार में ही मर जाने के लिए रखा गया था।
इसीलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ऑडियंस को सिर्फ फेस ऑफ ही नहीं बल्कि बिगेस्ट एवर फेस ऑफ देख पाने का थ्रिल आए, और ये कोशिश काफी कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यूज से इम्प्रेस्ड फैंस का मानना है। उनका कहना है कि फाजिल और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन, वो भी सुकुमार के डायरेक्शन में, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस वाकई लकी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको है पुष्पा और केजीएफ के बीच जंग, कौन होगा इस रेस का अल्टीमेट विनर? पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को एज लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जितना क्रेज है उतना ही तनाव भी है। तनाव इसका कि केजीएफ सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का। जी हाँ, दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स तो ऑलरेडी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा? जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुष्पा से जुड़ी एक अहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के कंधों पर डाली जा चुकी है, जिन्होंने इसका पहला गाना तैयार भी किया था, जो खबरों के अनुसार सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बेहद पसंद आया था, और गाना जुलाई के फर्स्ट वीक में ही दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार केजीएफ फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केजीएफ के सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर का स्पेशल कंट्रीब्यूशन था, जिनकी कंपोजिशन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि हर 5 मिनट में एक आदमी का रिंगटोन में कोई ना कोई केजीएफ का सॉन्ग हमें सुनने को मिल ही जाता था। अब इस अनाउंसमेंट में कारण लोग इसे डीएसपी वर्सेस बसरूर की तकरार के तौर पर देख रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों में बेहतर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं, इसमें केजीएफ कनेक्शन क्या है, लेकिन आपको बता दें कि गाना डीएसपी ने लिखा है वो स्पेशली फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगा। जी हाँ, और वो भी एक पार पैक तरीके से। और अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद भी किया था, और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि पुष्पा का ये गाना केजीएफ के गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, और दोनों फिल्मों से आप किसको वेट देना चाहेंगे, बताइए हमें कमेंट्स में। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा ने अनाउंसमेंट के बाद से ही सबकी नजरें अपनी ओर कर रखी हैं। इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेतहाशा प्यार मिला, जिसमें अल्लू अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तौर पर काफी एप्रिसिएशंस मिली। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं। अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है, और खासकर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है, तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूरी फिल्म पर। और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्स ने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखटाए हैं। खबरें आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अल्लू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधुदू, वर्षम और आर्या जैसी सक्सेसफुल कॉम्पोजिशंस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जिसमें से आर्या तो अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इस तरह इन दोनों की कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी हिट रही है,
देवी सर को इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाता है और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ऑडियंस पर एक जैसा ही इम्पैक्ट करे, जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशंस बयान कर डाले। और देवी शंकर प्रसाद ऐसी काबिलियत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है। यूं तो देवी शंकर प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलो कॉम्बिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सॉन्ग की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे। बहुत बहुत फिल्म की फिल्म पुष्पा ने मानो हर ओर तहलका मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अल्लू अर्जुन के इस नए अवतार के बाद। अल्लू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया, और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टैंडर्ड ही रेस कर दिए हैं। वैसे भी अल्लू का नाम भारत के सबसे हैंडसम आदमियों में लिया जाता है, और उसके ऊपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे छुपा असली टैलेंट कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों, ये चीज तो आपने नोट ही की होगी कि हम कई बार एक्टर्स की तारीफ करते हैं। वाह यार, रणबीर कपूर तो पूरे संजय दत्त लग रहे हैं। यार, रणबीर सिंह ने कपिल पाजी का क्या लुक लिया है, हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमिताभ बच्चन ही थे। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे हुई मेहनत को रिकॉग्नाइज करना हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीग्राड स्टूडियोज की नगरी है, यहाँ किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती। और इसीलिए आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला ये लुक असल में मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का देन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सर्च किए थे, या फिर सो नॉट आउट में ऋषि और अमिताभ सर का लुक देखकर आप भूल ही गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के लुक को देखकर हैरान रह गए थे, तो आपको बता दें कि आप अनजाने में प्रीतिशील के ही टैलेंट को सहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, मॉम, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 3, बाला, पंगा, अंधाधुन, छिछोरे, मुल्क, पति पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उनकी टैलेंट की बात करें तो। अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा था। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर, और कर दीजिए। करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली के बाद मेगा ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वैकुंठपुरम मुल्लो ने एक पैन इंडिया मूवी न होने के बावजूद 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलेन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तबाह तोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं।
इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकेंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिसे वहां जा मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था। लॉन्च पर अल्लू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन, हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज की इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा में नजर आ सकती है। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा कपूर पुष्पा राज मूवी में एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस आइटम सॉन्ग के लिए उनसे पहले उर्वशी रौतेला और दिशा पटानी जैसी टॉप परफॉर्मर्स को भी अप्रोच किया जा चुका है।
लेकिन श्रद्धा कपूर और प्रभास सारर मूवी साहो में श्रद्धा कपूर ने टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम काफी बेहतरीन तरीके से जमा लिया और साउथ इंडस्ट्री के फैंस की नजरों में भी वह काफी पसंद की गई हैं। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्होंने बाकी सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़कर पुष्पा मूवी में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। पुष्पा राज एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिस वजह से उसके हिंदी डब वर्जन के लिए एक हिंदी आइटम सॉन्ग तैयार किया जा रहा है, जिस पर श्रद्धा कपूर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस सॉन्ग से नॉर्थ इंडियन सिनेमा या कहें तो हिंदी सिनेमा जगत के फैंस के बीच एक क्रेज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पैन इंडिया फिल्म में अक्सर ये चीजें दिखाई देने को मिलती हैं, जैसा कि केजीएफ के चैप्टर 1 में भी मोनी रॉय गली गली सॉन्ग पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद बॉलीवुड में हिंदी ऑडियंस के बीच केजीएफ चैप्टर 1 को लेकर काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आई थी। उस सॉन्ग के सेम फॉर्मूले को ही यूज किया गया है इस बार भी। अगर बात करें केजीएफ के ओरिजिनल वर्जन के बारे में तो उनके ओरिजिनल सॉन्ग पर तमन्ना ने परफॉर्म किया था और अब ये सेम फॉर्मूला पुष्पा राज में अपना कर फिल्म के फिल्म मेकर से देखना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा में कितना क्रेज बढ़ पाता है इस मूवी का। साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि यह सॉन्ग हिंदी सिनेमा में कितना जादू बिखेर पाता है। हालांकि श्रद्धा कपूर ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में कोई बात की है। फिल्म का फाइनल पार्ट अभी भी शूट होना बचा हुआ है, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी डिले हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से फिल्म के काफी मेन सीन शूट नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं आखिर कब तक इस आइटम सॉन्ग पर काम शुरू होता है और श्रद्धा कपूर इसमें मेन लीड करती भी हैं या नहीं। श्रद्धा कपूर पहले भी बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर चुकी हैं। इससे पहले इमरान हाशमी की एक फिल्म उंगली में श्रद्धा कपूर डांस वसंती गाने पर झूमती नजर आई थी और बाद में साहो फिल्म में श्रद्धा कपूर एक और गाना सैया साइको सॉन्ग पर भी नजर आई थी, जिसके बाद सॉन्ग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों इंडस्ट्रीज में काफी पसंद किया गया था। इस बार पुष्पा राज में किस लुक में श्रद्धा के इस आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती नजर आएंगी, ये देखना तो हर किसी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर खास बात बताएं तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर के फैंस और हिंदी सिनेमा के लिए ये बात काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वजह से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है। तो आपका इस टेक्निक के बारे में, प्रभास की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतजार रहता है, उनके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो। अब पुष्पा की ही बात कर ले तो उनके फैंस करीब 2 साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। आने वाले दिनों में पुष्पा का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नेशनल क्रश रश्मिका मांडलेना नजर आने वाली। पुष्पा में विलन के तौर पर फहाद फजल नजर आएंगे, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। दोस्तों पुष्पा आज इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में लीड तौर पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं और अल्लू अर्जुन का स्टारडम ही कुछ ऐसा है कि उनकी हर फिल्म लगातार चर्चा में बनी रहती है। अगर पुष्पा सक्सेसफुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अल्लू अर्जुन की मैसिव पॉपुलैरिटी को भी जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइकन कहा जाता है। अल्लू अर्जुन ने ज्यादातर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है, अभी तक वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वो जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ चाइल्ड एक्टर विजेता फिल्म के साथ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा था और इसी वजह से उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट भी मिलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था और वो थी गंगोत्री। गंगोत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया
जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया। आर्या को अल्लू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। इस पिक्चर में उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी। इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साउथ इंडस्ट्री में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो है अल्लू अर्जुन। खास तौर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पुष्पा बेसिकली एक गैंग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है और कैसे अल्लू अर्जुन फिल्म के शुरुआती दौर में एक खराब इंसान होते हैं, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाता है। आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा राज, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जल्द ही थिएटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसके ऑडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवाह हर बार मार्केट में नजर आती है, जिस वजह से फैंस की एक नई फैन थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मूवी की बाकी की कास्ट एंड क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मेंबर से जुड़ी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करा जाएगा। ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म की स्टोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हीरो और डायरेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि पुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स्ट पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजह से फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही किसी मूवी के जरिए दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर हिट, और जहां इस गाने की पूरी प्रोडक्शन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऑस्कर विनिंग स्टार के पास हो, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सेस इस मूवी को मिल पाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, तो सोचने की बात है कि जहां साउथ सॉन्ग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सॉन्ग का हिंदी में भी कोई डब वर्जन या न्यू हिंदी सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ऑडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अल्लू अर्जुन वैसे ही अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर हैं, और उनके हैंडसम हॉट लुक्स और पर्सनालिटी एक आम बात हो गई है। ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखाकर ऑडियंस के बीच इतना क्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम में बहुत ज्यादा जोश है। फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, जिससे फिल्म की पूरी टीम काफी ज्यादा खुश है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी कामयाबी मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही है। ज्यादा मूवी के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन, लुक और फाइटिंग सीक्वेंसेस ने काफी तहलका मचा दिया। इस मूवी को मिरर मूवी फॉरेस्ट में शूट किया गया है, जहां हाई पुलिस फोर्स और कंप्लीट सिक्योरिटी में इस फिल्म पर काम किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म क्रू को साउथ के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और साथ ही साथ शायद से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी लुभाने के लिए पुष्पा राज की कैमरा हैंडलिंग के लिए चूज किया गया है पॉलिश कैमरामैन मीरस्लाव कुबर प्रोजेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मीरस्लाव को इंडिया में पीसी श्रीराम ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पीसी श्रीराम इंडिया के रीओन्ड सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है, जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इवेंट्स में काम करते हैं। मीरस्लाव इससे पहले क्या फ्रीडम मूवी, जिसको विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था, उसके लिए एज अ कैमरा पर्सन काम कर चुके हैं। उस फिल्म में मीरस्लाव के काम से इम्प्रेस होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज के लिए उन्हें हायर किया। मीरस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ रहे थे, और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थे।
लेकिन ये खुशी ये पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरों के अनुसार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो वापस जा रहे हैं और उन्हें रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। बता दे कि अल्लू अर्जुन नीरो स्लॉ के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ये एक्साइटमेंट नीरो स्लॉ के एफर्ट्स में भी दिख रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान नीरो स्लॉ ने फिल्म की काफी तारीफ भी की थी और फिल्म के हर इवेंट का, चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या फिर कई पूजा सेरेमनी हो या फिर फिल्म का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसका हिस्सा जरूर बनते थे। नीरो स्लॉ तेलुगु इंडस्ट्री से अटैच हो चुके हैं लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल में सेफ्टी बनी रहने के लिए, इसलिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको एक सेफ ट्रैवल जोन में रखा हुआ है। ये एग्जिट फिल्म पर गहरा असर डाल सकती है क्योंकि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और थ्रिल का काफी पता चल रहा है। अब क्या न्यू कैमरामैन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेलुगु सिनेमा में आजकल फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंड चल रहा है जिससे फिल्म की विजुअल क्वालिटी और ज्यादा इंडेक्स ऊपर सामने आती है। अभी तक यूरोपियन पॉलिश सिनेमाटोग्राफर्स अपना कमाल दिखा चुके हैं तेलुगु फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये कोशिश पुष्पा राज के लिए थी हुई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या नया काम है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में? अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में सनसनी मचा रखी है। कभी फिल्म की हीरोइन तो कभी फिल्म का विलन, कभी फिल्म के दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना, फिल्म आए दिन किसी न किसी कारण से हेडलाइन से रहती है। इन सारी अपडेट्स की इंफॉर्मेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देख ही चुके थे लेकिन आज हम वो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब जानना चाहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है एक सवाल ने सबके मन में भर कर रखा है, आखिर फिल्म का नाम पुष्पा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट वजह है? इस बारे में कई थ्योरी दिख गई। कुछ के अकॉर्डिंग पुष्पा फिल्म में अर्जुन की माँ का नाम पुष्पा हो सकता है जिससे वो बेहद प्यार करते होंगे और जिनकी मौत के बाद ही इसीलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम पुष्पा ही रख लेंगे। तो कुछ का कहना है कि क्या पता कि लीडिंग लेडी रश्मिका का नाम है। स्पेकुलेशन की हद तो तब तक हो गई जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डायरेक्टर सुकुमार राजेश खन्ना के बड़े फैन इसीलिए ये नाम रख दिया गया। यू नो पुष्पा आई थ्री टीयर्स, पर हमने ये गुत्थी सुलझा ही ली। एक्चुअली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है, जितना डीप में जाकर फैंस ने सोचा उतनी मेहनत मेकर्स ने नहीं की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम पुष्पक नारायण रखा गया जिन्हें सब प्यार से पुष्पा बुलाते हैं और इसी वजह से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया। आफ्टर ऑल पूरी कहानी इस किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म का नाम शेषाचलम रखा जाने वाला था क्योंकि ये पूरी कहानी शेषाचलम में प्रोमिनेंट स्मगलिंग पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता तो पुष्पा और केजीएफ में एक और सिमिलैरिटी हो जाती क्योंकि केजीएफ का भी ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस्ड थी, केजीएफ पर किसका राज होगा। शायद इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सुकुमार ने शेषाचलम को पुष्पा कर दिया। इससे फिल्म का टाइटल काफी कैची भी हो गया और इंक्लूसिव भी और क्यूरियोसिटी लगाने वाला हो गया। खैर ये तो हमारी अर्जुन फैंस के लिए बेहद खास। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के फैंस के बहुत ज्यादा फेवरेट और मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पराज के बारे में। दोस्तों पुष्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बर्थडे पर टीजर के सक्सेसफुल लॉन्च पे जब से अल्लू अर्जुन ने अपने नॉर्थ इंडियन फैंस और अदर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीच देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सपोर्ट के लिए उनके शुक्रगुजार हुए हैं, तभी से ही दोस्तों नॉर्थ साइड में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अल्लू अर्जुन के अपकमिंग इस ड्रामा एक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद के साथ उनका काफी टाइम बाद कोलैबोरेशन हुआ है। इससे पहले सुकुमार और अल्लू ने साथ में दो ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी जो कि थी आर्य और आर्य का सेकंड सीक्वल आर्य 2 और ये बात सभी जानते हैं कि स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन को आर्य मूवी ने रातों रात सुपर सेंसेशन बना दिया था। दोस्तों पुष्पराज को लेकर हर दिन एक मार्केट में नई अफवाह सुनने को मिलती है। मूवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिसेंटली आ रही खबरों के अनुसार अल्लू अर्जुन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस की माने तो जहाँ अल्लू अर्जुन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नजर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों पुष्पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अल्लू अर्जुन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्पशंस लगाई जा रही है। ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अल्लू अर्जुन के डबल रोल होने की बात कही थी। दोस्तों इस बात पर अभी तक डायरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या झूठ। अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और एक्टर दोनों का रोल अल्लू अर्जुन साथ में निभाते हुए नजर आया। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे बॉलीवुड मूवी डॉन में हुआ था जिसमें असली डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आदमी को उनकी गैंग में डॉन बनाकर भेज दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी इस बार पुष्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी। स्ट्रॉन्ग ह्यूमर्स की बात की है कि अल्लू अर्जुन का दूसरा रोल एज अ बिजनेसमैन होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनेसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अल्लू अर्जुन को बिजनेसमैन बनाकर वहां भेज दिया जाए जहां से उनके धंधे को ऑपरेट किया जाता हो। और अब दोस्तों र्यूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तभी पता चलेगा, वरना मूवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। और दोस्तों इन सभी खबरों से अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करें कि अगर अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों हैं तो इसका जवाब आप जल्द ही खुद समझ जाएंगे। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि फैंस के साथ साउथ मूवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दे ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए साउथ में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। अपने क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फ्यूनरल में वो खुद उनके घर गए थे। बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स के मुकाबले अपने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्टर्स के इस नेचर की वजह से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी अपनी तय तारीख में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को अभी 3-4 महीने और इंतजार करना है क्योंकि 99% ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन के रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक PR टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल है उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है। तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है। रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है, और अब विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए, और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं, और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा
पुष्पा का ये जरूर बताइए, और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं। और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है। और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर, उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है, यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड़ भी हो सकता है। और 60 करोड़ का अगर हम बोले अलग भाषाओं से, जो बाकी भाषाओं में रिलीज़ हो रही है, उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन। तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है। उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी, और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में। तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी। और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा, विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे अपने किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को, क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि, और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग, क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से। लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा, और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है।
अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पार्टी से वाह वाही बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही हैं गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है, और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है? साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है, और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं, और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में, और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्कारी पर बेस्ड,
जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है, पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है। इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया का हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धंधे का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा, क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिज़ाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं, जादू चलाया अपने मेकअप का। और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने, और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए है, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफी अमेजिंग है ये पोस्टर और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और
सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि अच्छी अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राफ स्टूडियोज की कौन नई चटपटी वीडियो में। हुश्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफ़ी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगपति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथीरैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगपति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो भूख कर रखता।
पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत। क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर हैं। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। भले ही साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी, बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है। अब अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी हैं, जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मेकर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लगातार गर्म है। अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाल ही में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील से मुलाकात की है। वो हैदराबाद में आज प्रशांत नील के दफ्तर के बाहर स्पॉट किए गए। यहाँ उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी। अल्लू अर्जुन ने वहाँ से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए। इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील की ये मुलाकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है। इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल, आपको बता दूं कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या बॉलीवुड में भी एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं अल्लू अर्जुन, और क्या बॉलीवुड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका? तो आइए जानते हैं।
हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा की। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी? वैसे अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होता है हाँ। और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नॉर्थ इंडियन। तो आप लोगों ने, मैं नॉर्थ इंडियन वालों से सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्में तो जरूर देखी होंगी ना। आप सभी को वो भाषा समझ आती है ना, आप सभी को समझ आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं। और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत, ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं। और इनमें से कई एक्टर्स को तो हमने बॉलीवुड में काम करते हुए भी देखा है, जहां हमने रजनीकांत को अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, वहीं एक तरफ शाहरुख खान के साथ भी देखा है, और साथ साथ ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है। उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा। लेकिन जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है, जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में प्यार किया जाता है, उन्हें वो रिकॉग्निशन, उस लेवल का रिकॉग्निशन बॉलीवुड में नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप सभी को एक मजे की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनीकांत को पूरे साउथ में इस तरीके से पूजा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर पूरी नेशन वाइड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है। जी हाँ, और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है, यहाँ पर बॉलीवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब कर रिलीज कर दिया जाए, क्यों ना इन फिल्मों को सिनेमा घरों में एज हिंदी डब रिलीज कर दिया जाए। ऐसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मजा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदीकी सिनेमा घरों में भी देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और KGF फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब कर सिनेमा में रिलीज किया है, और यहाँ तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी एक्टर्स को भी लिया गया है। साउथ के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे। वैसे तो उनकी ऑडियंस तमिल ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस, यही सब है, लेकिन अब वो अपने इस टारगेट को बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड एस्पिरेशनल लगता है, और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऑफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी, ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब पुष्पा को पैन इंडिया रिलीज दिलाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीज कर दी जाएगी। तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अल्लू एंट्री मारते हैं बॉलीवुड के मार्केट में, और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला? क्या होने वाली है पुष्पा के खास बातें? कब तक ये फिल्म रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जैल। पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की, और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की। जी हाँ, उर्वशी रौतेला जो कि हॉट एंड स्टनिंग है, बॉलीवुड डीवा है, और अब उनका एक आइटम सॉन्ग होने वाला है पुष्पा में। बेहतरीन डांस तो उर्वशी करती ही है, साथ ही उनके जो लुक्स है वो वाकई कातिलाना है। और आपको बता दें, पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूट शुरू किया था अल्लू अर्जुन से। सेट से भी बहुत सारी तस्वीरें लीक हुई थी, और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई, इसीलिए उन्होंने टाइट सिक्योरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं इस फिल्म के ज़रिए। आपको बता दें, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो लुक है वो काफ़ी कमाल का है। अल्लू अर्जुन के इसमें कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं और चेक शॉट नज़र आ रही है, 90s का दौर दिख रहा है। इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है, और साथ ही आपको बता दें इसमें सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। और इसमें विजय सेतुपति भी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं, वो पुलिस का किरदार करने वाले हैं, और शायद अल्लू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे, ये सारी कहानी होगी। रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के अपोजिट इस फिल्म में नज़र आएंगी।
वहीं आपको बता दें अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार बड़े पर्दे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर ही देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सोचिए बड़े पर्दे का अनुभव किस तरह से होगा जब ग्रैंड एंट्री होगी। और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अल्लू अर्जुन की, उस पर 6 करोड़ का बड़ा खर्चा किया गया है। बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा। इसमें एक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों, यानी कि फुल्ली एंटरटेनमेंट फिल्म ये होने वाली है, क्योंकि एक्शन तो है ही, साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कितना इंतज़ार है आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है। तो लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कितना इंतज़ार है पुष्पा का, अल्लू अर्जुन आपको कैसे लगते हैं। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। कौन है फिल्म पुष्पा के विलन और क्यों हुए हैं वो इतने मशहूर, वहीं कैसी है पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है या फिर कौन सी एक्ट्रेस है जो आपकी करंट क्रश है, तो किस एक्ट्रेस का नाम लेंगे आप? कहीं ये नाम साउथ की ब्यूटीफुल और क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का तो नहीं? कन्नड़ सिनेमा की खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस को उस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब सर्च इंजन गूगल ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोषित किया। गूगल ने नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी है। और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया। उन्होंने इसके साथ लिखा, मेरे फैंस वाकई लेजेंडरी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। मेरा दिल मेरे फैंस के पास है। 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोकप्रिय है। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब तारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में एक्ट्रेस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी के साथ सगाई रचा ली थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी। यही ब्रेकअप उनका ग्लो अप साबित हुआ, क्योंकि महज 24 साल की ये अभिनेत्री साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी हैं और बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बनाई गई, जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ दिखाई देंगी। फिल्म की स्टोरी लाइन बेहद इंटरेस्टिंग है और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है। इस एज गैप को बनाए हुए रश्मिका जल्द ही ज्योतिका के पति यानी सुपरस्टार सिंघम सूर्या के साथ काम करने जा रही हैं। टॉलीवुड अभिनेता सूर्य, जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सोराराई पोट्रो की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40वीं फिल्म होगी। ट्विटर पर पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूर्या के अपोजिट रश्मिका मंदाना होंगी। वहीं सूर्य, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन तीनों ही शादीशुदा एक्टर्स हैं। अल्लू अर्जुन इस लिस्ट के सबसे जवान शादीशुदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अल्लू अरहा का जन्मदिन पुष्पा के सेट पर मनाया। बता दें इस वक्त पुष्प की शूटिंग आंध्र प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपुलैरिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है। लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े एक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अल्लू अर्जुन के साथ इस बड़ी फिल्म के ऑफर को कैसे मना कर सकती थी अभिनेत्री। वहीं याद आती है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, जब रणवीर कपूर ने 9 साल बड़ी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे। देखिए कैसे समय बदल गया। वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल एक्टर्स के लिए समय बदला है? साथ ही क्या वजह है कि फिल्म पुष्पा में विलेन विजय सेतुपति इतने मशहूर हैं? अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके विजय सेतुपति साउथ के राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना कहे जाते हैं, जिसके फल स्वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं। एक एक्टर के साथ विजय प्रोड्यूसर, लिरिकिस्ट और डायलॉग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनेता को उनके प्रशंसकों और मीडिया द्वारा मक्कल सेल्वन
के रूप में जाना जाता है। पिज्जा, सुपर डीलक्स और पेटा जैसी विजय सेतुपति की फिल्मों ने अभिनेता की वर्सिटैलिटी को दिखाया। विजय ने कई अवार्ड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवार्ड्स का सिलसिला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं। तो क्या एक मुख्य खलनायक का अवार्ड जीतने के बाद पुष्पा में विलेन का किरदार निभाना आसान होगा? विजय सेतुपति के लिए क्या होगा? वहीं क्या विजय की पॉपुलैरिटी टक्कर देगी अल्लू अर्जुन और रश्मिका की पॉपुलैरिटी को? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। दोस्तों, क्यों फिल्म पुष्पा की मजबूत कड़ी और एक्टर विजय सेतुपति हो रहे हैं ट्विटर पर बदनाम? आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शुरू, और क्या इस बार अल्लू अर्जुन सहित फिल्म के सभी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली? दोस्तों, आपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है? जी हां दोस्तों, इस बार लगता है स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्मिका मंदाना के साथ मनाने वाले हैं। 12 नवंबर से शुरू हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के श्रेष्ठलम जंगलों में पहुंची पूरी टीम। जी हां दोस्तों, फिल्म से अल्लू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंग की शर्ट और पैंट में दिखाई दिए हैं। उनका चेहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया, लेकिन पुष्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अवतार। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन के जन्मदिन यानी कि 8 अप्रैल पर निर्माताओं ने पुष्पा के पहले फर्स्ट लुक पोस्टर को साझा किया और उसके शीर्षक को भी रिलीज किया, जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वायरल होता भी नजर आया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रहे हैं और फिल्म टीम में शामिल प्रत्येक तकनीशियन को नियमित आधार पर कोविड-19 परीक्षण देने के लिए कहा जा रहा है। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन 2021 की शुरुआत में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं। हम आपको बता दें, फिल्म रश्मिका मंदाना एक वन अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आने वाली है। ट्विटर पर के सितारे और तमिल अभिनेता विजय सेतुपति ट्रेंड कर रहे हैं, और ये ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव वजह से है, और इसका न सिर्फ क्रिकेट से संबंध है बल्कि पड़ोसी देश श्रीलंका से भी ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों, विजय सेतुपति श्रीलंका के स्पिनर मुथिया मुरलीधरम की बायोपिक में काम कर रहे हैं, जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। ये मोशन पोस्टर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विजय सेतुपति पर हमला बोल दिया। जी हां दोस्तों, उनका कहना है कि लाखों तमिलों के हत्यारे श्रीलंका देश के क्रिकेट सितारे की बायोपिक में काम करना एकदम गलत है। जी हां दोस्तों, मुथिया मुरलीधरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है। ट्विटर पर अब तक लाखों लोग #ShameOnVijaySethupathi के साथ ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। दोस्त लोग विजय सेतुपति की फिल्मों के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। वहीं क्या इस फिल्म की वजह से विजय का फिल्म पुष्पा में काम करना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी हां दोस्तों, जब फिल्म के सितारे विजय सेतुपति मुश्किलों में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन रश्मिका भी इन इनकम टैक्स के चक्रों में फंसी हैं। साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं साउथ में अब वो एक जानी मानी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। दोस्तों, रश्मिका को साउथ की सबसे महंगी हीरोइन भी कहा जाता है। और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। अधिकारियों की जांच पड़ताल दौरान एक्ट्रेस के घर से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जी हां दोस्तों, कैश के अलावा घर से प्रॉपर्टी के कागज भी बरामद हुए हैं। वहीं रश्मिका के माता पिता इनकम टैक्स के छापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। रश्मिका के बैंक की भी जानबीन की जा रही है, और रश्मिका केवल 24 साल की हैं, और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया। दोस्तों, वहीं क्या आप जानते हैं साउथ की इस चुलबुली सी दिखने वाली एक्ट्रेस के पीछे छुपी है एक दुख भरी दास्तान?
हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायल कर चुकी हैं रश्मिका। अपनी सगाई टूटने की वजह से काफी मायूस थी, लेकिन अपनी इस मायूसी को एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया। दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म किरिक पार्टी में हीरो रक्षित शेट्टी से सगाई रचा दी थी, लेकिन तालमेल न बन पाने की वजह से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया। दोस्तों वहीं क्या गुड़ चाहती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड में रश्मिका मंदाना, तो बता दें दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में चाहिए। इतनी महंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका। देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अर्जुन रेड्डी बाइक उठाए तैयार होंगे। वहीं रश्मिका 2021 की शुरुआत में अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी, साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है। तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दूल्हा? कौन से यंग बॉलीवुड एक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में? हमें अपने जवाब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। फिल्म पुष्पा की कहानी पर लगा गया है बैन, क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डायरेक्टर सुकुमार को, और क्या विशाखापट्टनम पहले पहुंची पुष्पा की टीम? क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से? अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा पर एक साहित्यिक साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे मूल रूप से लेखक वेमपल्ली गंगाधर ने लिखा था। वेमपल्ली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है, जो कुछ समय पहले प्रकाशित हुई थी। वहीं बता दें फिल्म पुष्पा एक तेलुगु एक्शन फिल्म होगी, जो क्या साउथ को दी प्रमुख भाषाओं के बीच आई दरार। हाल ही में लेखक वेमपल्ली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकाशित हुई थी। लेखक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भड़काने की कोशिश नहीं है, बल्कि जनता को पूरे मामले के बारे में जागरूक करने की एक छोटी सी कोशिश है। उन्होंने कई तस्वीरें भी पोस्ट की, जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के समान है। वेमपल्ली गंगाधर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक लेखक है। 2011 में उनकी लघु कहानी संग्रह मोलाकला पुन्नमी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। गंगाधर के पुरस्कार विजेता प्रस्तुत मोलाकला पुन्नमी 13 लघु कथाओं का संग्रह है। यह किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है। तेलुगु कवि गंटूरू शशेंद्र शर्मा ने पुस्तक के लिए अग्रह लेख लिखा था। उनकी किताब माय नापू बोमालू ने अमरीकी तेलुगु एसोसिएशन पुरस्कार जीता। किताब सक्सेस वर्कर्स के बारे में थी। इस विषय पर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हाल ही में चिरंजीवी अभिनेत्री फिल्म आचार्य को भी साहित्यिक चोरी के लिए दोषी ठहराया गया है। लेखक राजेश मंडूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकथा उनकी फिल्म के समान थी। वहीं पुष्पा सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित नई तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे, साथ ही प्रकाश राज और जगपति बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे। यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई। निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अल्लू अर्जुन को फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था, जिसने फिल्म प्रेमियों और अल्लू के प्रशंसकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की। अब सुकुमार की फिल्म पुष्पा के सेट से एक तस्वीर लीक हुई है, जिसमें अल्लू अर्जुन का शानदार अवतार और दाढ़ी वाला लुक सामने आया है। बनी इस फिल्म में पुष्पराज की भूमिका निभाने वाले हैं, जिसे मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है। फिल्म का स्केड्यूल विशाखापट्टनम में एक विश्व रूप से निर्मित सेट पे होगा। वर्तमान में पुष्पा का सेट मेर्दुमिली में वन पर चल रहा है। फिल्म की कहानी चंदन की स्मगलिंग से जुड़ी है, और कहानी तिरुमुल्ला के पहाड़ी क्षेत्र शेषचलम वन की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित की जाएगी। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी लॉरी ड्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शारीरिक परिवर्तन किया, जबकि भीषण हीरोइन रश्मिका मंदाना चतुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस लॉकडाउन के दौरान रश्मिका ने एक ट्विटर से चतुर बोली सीखी। फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्टि भी की कि वह फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस के लिए 6 करोड़ रुपए की भारी भरपाई करने वाले हैं, जिस वजह से यह फिल्म एक काफी अहम सीक्वेंस रहेगी। वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अल्लू की चंदन से भरी लकड़ियों की लारी ना छूट जाए, वरना बैकग्राउंड में 2007 की फिल्म 40 की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा। मीडिया में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को एयरपोर्ट में एंटर करते हुए कैप्चर किया, और हमारा अनुमान है कि वह फिल्म पुष्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी। काले रंग की टी शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने डियर कॉमरेड अभिनेत्री काले रंग की स्टाइल में स्वैग के साथ घूमती दिखाई दी। उनके बाल खुले होने के साथ मुखौटे का स्टाइलिश चश्मा लगाए वह दुनिया के जीतने के लिए तैयार बॉस लेडी की
की तरह लग रही थी। लगता है साले स्टार अल्लू अर्जुन को कॉम्पिटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका। वही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में, क्या अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच फिल्मी केमिस्ट्री जमेगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्प फैक्ट्स देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक पीआर टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल हैं उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है, तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है, रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है, और अब विलेन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलेन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए। और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन, उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फ़िलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक, जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं, और जितनी भी फ़ोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नज़र आ रहे हैं, और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नज़र आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है, तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये ज़रूर बताइए। और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस, मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा।
अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ये ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी। ये 30 करोड़ भी हो सकता है और 60 करोड़ का अगर हम बोले अलग भाषाओं से, जो बाकी भाषाओं में रिलीज हो रही है, उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन, तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी तमिल तेलुगू से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी YouTube पे धमाल मचाती है। उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में। तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसके लिंक करते हुए दिखाया जाएगा। विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे अपने किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को, क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग, क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदना, कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से। लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पार्टी से वाह वाह बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार।
फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ, संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है। और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं, जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है। साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है, और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं, और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में, और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है, पर
जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है। इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया का हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धनली का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा? क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जोयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिज़ाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं। जादू चलाया अपने मेकअप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए हैं, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नज़र आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नज़र आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग है ये पोस्टर और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और
सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड, जो लकड़ी होती है, उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि बहुत अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए जल्दी लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्रास स्टूडियोज की कौन नई चटपटी वीडियो में। हुश्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है, जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफ़ी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगापति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथी रैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगापति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी, तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम।
गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूँ। भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो भूख कर लगता। पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत? क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने ये तो अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज, यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजा मौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर हैं। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया के संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे, इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें।
पुष्पा कितने अवार्ड्स जीत चुकी हैं रश्मिका मंदाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्शन कर रहे हैं सुकुमार। इसे प्रोड्यूस किया है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जो मैत्री मूवी मेकर्स के एसोसिएशन में मुट्टम सेट्टी मीडिया से हैं। अब द फिल्म स्टार अलू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना, जबकि जगपति बाबू भी हैं, प्रकाश राज, धनंजय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को आधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं, एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है। ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा, जो कि 8 अप्रैल को होगा। वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका, जो कि प्रमुख महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी, वह हर बार सेट से तस्वीर साझा करती रही हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा के दो शूटिंग स्केड्यूल्स पिछले महीने रैप अप हुए थे और निर्माताओं ने ट्विटर पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था, टीम पुष्पा ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान रामचंद्रपन और मेरदी मुली के एजेंसी क्षेत्रों में दो बिजी स्केड्यूल्स रैप अप किए हैं। अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिसके बिना हमारी शूटिंग पूरी नहीं हो पाती। थैंक यू रंपा चौधवारम और मर्दिमुली, अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशन मंजू, अद्दावालू, मिक्कू जोहालू और सुल्तान। ये सारी फिल्में 2021 में ही रिलीज होने वाली हैं। दोस्तों, अवार्ड्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेशनल क्रश यानी कि रश्मिका मंदाना ने अभी तक 5 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि है बेस्ट डेब्यूट इन फीमेल फॉर किरिक पार्टी, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अनजानी पुत्र, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर गीता गोविंदा और क्रिटिक्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर गीता गोविंदा। वहीं उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था। रश्मिका मंदाना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती हैं, जो कि महंगी एक्ट्रेसेस के बारे में होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगी फिल्म में अपनी क्यूटनेस और हॉटनेस के साथ, और अलू अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं, हमें कमेंट से। ఏడు మామూరుడు కాదు మై ఎవడరా వాడు వాడి మొహం ఎలా ఉంటుందో ఎవరికైనా తెలుసా ఇరవై మందిని పంపించాను అందరినీ చిత్తగుట్టారు कारणों से हुई पुष्पा फिल्म के शूट शेड्यूल में देरी, क्या इस डिले की वजह से पुष्पा की रिलीज डेट पर भी फर्क पड़ सकता है? पॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। अल्लू अर्जुन ने एक दो वर्ड्स में ही पुष्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है। फिल्म्स और टेलीविजन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी 2-3 महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आचाने आने लगी। बढ़ते हुए कोविड केसेस एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं और इसी कारण से काफी सारे मूवीज या तो थिएट्रिकल रिलीज को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर करेंटली शूट हो रही फिल्म्स के शूट शेड्यूल में गड़बड़ी हो गई है और कास्ट एंड क्रू की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन शेड्यूल्स को अभी पोस्टपोन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे हैं। इसी डिले का शिकार हुई है अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया रिलीज पुष्पा। इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है, पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के 2 शेड्यूल ही पूरे हो पाए थे। अब जैसे ही इसका अगले शेड्यूल की तैयारी कास्ट एंड क्रू ने शुरू की तो इनका रास्ता काट लिया कोरोना ने, क्योंकि फिल्म काफी बड़े स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। मोर ओवर फिल्म के सारे शेड्यूल आउटसाइड ही शूट होने हैं, इसलिए डायरेक्टर साहिब
दिलीप सुकुमार ने सेफ्टी को चुनते हुए शूट को टालने की सलाह बनाई है। इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीज पे जरूर पड़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीज की डेडलाइन को पकड़ रख पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, सुकुमार एक ऐसा डायरेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। इनका सिद्धांत ही यही है, टाइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसल्ली बख्श। तो शूट तभी शुरू होगी जब कंडीशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म की रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइज कर पाएंगे जब फिल्म के शेड्यूल टाइम से शूट हो पाएंगे, और शेड्यूल में देरी का सीधा मतलब है रिलीज में देरी। पुष्पा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है, लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्स इसका टीजर अर्जुन के बर्थडे 8 अप्रैल को रिलीज कर दे। अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अल्लू की तरफ से मिला है वो तो मात्र दो तेलुगु वर्ड्स का है, थग्गे दिले। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं। अल्लू अर्जुन एक तेलुगु मूवी के लॉन्च इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। तो वहाँ जब उनसे पुष्पा की शूट के बारे में डिटेल पूछी गई, तो उन्होंने सिर्फ दो शब्दों में बयान किया, थग्गे दिले, जिसका लूजली मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्त तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है, वजह है कोरोना। यूं मान ही लो कि शूट मस्त 200 की स्पीड से चल रही, तो इसी बीच कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया। अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी, और यही करना भी पड़ा है पुष्पा फिल्म के मेकर को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा की पहली झलक सामने आ गई है। इसका खुलासा करते हुए मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद अल्लू अर्जुन के फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। इस वीडियो में हमें अल्लू अर्जुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जहां इस फिल्म का छोटा टीजर भी कमाल का है। दोस्तों देखा जाए तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था। मेकर्स ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया, जहां बताया गया कि इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फाजिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे। स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन और फहाद की टक्कर देखने लायक होगी। दोस्तों बात करें फर्स्ट लुक की, तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक व्यक्ति जंगलों के बीच भाग रहा है, जिसके दोनों हाथ पीछे हैं, हाथों में रस्सी बंधी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढका हुआ है। अगर बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं। अब इस सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अल्लू अर्जुन भाग रहे हैं और उनके चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है, तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। ये फिल्म 13 अगस्त को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेट्टी। दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की, तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए और उनके ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि इसका आनंद सभी लैंग्वेजेस के दर्शक उठा सके, क्योंकि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। पुष्पा फिल्म की कहानी एक एक्शन एंटरटेनिंग स्टोरी है, जिसके जरिए दर्शकों को फ्रेश और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है, और जब उन फिल्मों में अल्लू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धमाकेदार हो जाती है। वेल दोस्तों आपको कैसा लगा ये फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ पुष्पा फिल्म, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है। ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से पुष्पा मूवी से विजय सेतुपति की एग्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं? साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म पुष्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्लाह वैकुंठ पुरमलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे। तो आपको बता दें कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकड़ एक्शन एंटरटेनर। पुष्पा की स्टोरी रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग पर बेस्ड होगी, जिसमें अल्लू हमें इसी धंधे में काम करते हुए लॉरी
ड्राइवर बने दिखेंगे। इन्हीं के ऑपोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी। इनके रोल के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टोरी में, जी हाँ वो है विलेन का। तो जी विलेन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक तगड़ा कंटेंडर पहले चुना था, जो कि थे विजय सेतुपति। और सीरियसली ये एक ऐसे एक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी मेन एक्टर की परफॉर्मेंस को डोमिनेट कर देते हैं। और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलेन, पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजंस भी। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा भी। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा भी। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा भी। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता।
हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता।